नेशनल एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव और एस्को के अंदर आज हमारे बीच में भारत सरकार के रक्षा मंत्री, पर्यटन मंत्री, उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता माननीय श्री अजय भट्ट जी, इस डिफेंस की सेवाओं के विस्तार के अंदर जो संस्था लगातार प्रयास कर रही है, सोसाइटी डिफेंस के अध्यक्ष श्री एसपी शुक्ला जी, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीईओ भी हैं, लेकिन जब कभी प्रेजेंटेशन देते हैं तो पूरे देश की डिफेंस एमएसएमई और बड़ी इंडस्ट्रीज क्या कर रही है उसके बारे में लगातार पूरे देश में प्रयास करते रहते हैं। डिफेंस प्रोडक्शन के एडिशनल सेक्रेटरी, सीनियर आईएएस ऑफिसर जिनकी चर्चा में आज ये एक्सपो का आयोजन हुआ, एक दिन ऐसे ही बैठे हम चर्चा कर रहे थे कि क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी कंपनियां मिलकर भारत के आर्थिक, सामाजिक और रोजगार को बढ़ा सकती है, उसके लिए उनके प्रयास विशेष रूप से हैं। श्री श्याम जाजू जी, सुनील जी हमारे बीच में, रामगंज मंडी के लोकप्रिय विधायक माननीय मदन दिलावर जी, कोटा दक्षिण के विधायक माननीय संदीप शर्मा जी, लाडपुरा की विधायिका श्रीमती कल्पना देवी जी, पूर्व विधायक हीरालाल जी, यहां के डिफेंस सेवा के अधिकारी, जिला प्रशासन कलेक्टर और जिला प्रशासन के अधिकारीगण, और विशेष रूप से देश की रक्षा क्षेत्र के अंदर चाहे बड़ी कंपनियां हो, चाहे एमएसएमई हो, स्टार्टअप, उन सब के प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, और कोटा और राजस्थान के एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले सभी मेरे उद्यमी भाई और बहनों, मैं विशेष रूप से आज कोटा में उन सभी लोगों का अभिवादन करता हूं जो देश के अलग अलग क्षेत्रों से और देश के बाहर विदेश की कंपनियां जो भारत का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह सभी कंपनियों के सीईओ और प्रतिनिधिगण यहां पर आए और लगातार दो दिन से यहां पर उनके प्रयासों से एक नया औद्योगिक वातावरण बना है। कोटा किसी समय देश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर हुआ करता था और देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्रीज जो केवल अपने उत्पादन को यही नहीं दुनिया के अंदर भी एक्सपोर्ट करती थी, वह बड़ी कंपनियां यहां पर थी। लेकिन एक समय अंतराल आया जब हम औद्योगिक शहर के बजाय आज देश के अंदर शिक्षा नगरी के रूप में, लघु भारत के रूप में आज जाने जाते हैं। लेकिन अब समय आया है कि हम औद्योगिकरण उसको आगे बढ़ा सकते हैं
उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जब डिफेंस और डिफेंस से जुड़ी संस्थाओं ने पहली बार देश में और राजस्थान में कोटा में इस तरीके का कैंक्लेव और एक्सपो आयोजन किया, उसके लिए मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। हमारी इस कॉन्क्लेव के पीछे हमारा मकसद है कि देश की सरकारी, निजी और विदेश की जो कंपनियां भारत में प्रोडक्शन कर रही है, वो सभी कंपनियां और एमएसएमई सेक्टर, जो राजस्थान और कोटा के एमएसएमई सेक्टर जो डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं और जो डिफेंस सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, उन कंपनियों को भी इन्हीं बड़ी कंपनियों के साथ किस तरीके से साझेदारी के साथ हम नए एमएसएमई सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं, इस कंक्लेव के पीछे हमारा उद्देश्य यही है। और आज मैं कह सकता हूं कि जैसा शुक्ला जी ने बताया कि किसी भी बड़ी कंपनियों को अगर अपनी उत्पादकता को श्रेष्ठ बनाना है, वहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाना है, तो एमएसएमई सेक्टर को जोड़ने की आवश्यकता है, स्टार्टअप को जोड़ने की आवश्यकता। एमएसएमई और बड़ी कंपनियां और सरकारी निजी कंपनियां मिलकर किस तरीके से रक्षा क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट उपकरण भी बना रहे हैं, कई सेवाएं दे रहे हैं, जिसके कारण आज दुनिया के अंदर 80 से ज्यादा देशों के अंदर भारत रक्षा उपकरण और सेवाओं को एक्सपोर्ट कर रहा है। आप सब वक्ताओं ने बताया कि एक समय ऐसा था जब भारत में हम 70% रक्षा उपकरण और सेवाएं दुनिया के विकसित राष्ट्रों से इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सशक्त नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के विचार के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण आज हम हमारी आवश्यकताओं का 70% पूरा कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ हम 80 से ज्यादा देशों के अंदर हमारे रक्षा उपकरण, हमारे आईटी विज्ञान टेक्नोलॉजी को दुनिया को देने के अंदर काम कर रहे हैं। साथियों, इस भारत के अंदर एमएसएमई सेक्टर का इस आर्थिक क्षेत्र में बड़ा योगदान है। हम जब इंडस्ट्री सेक्टर की पूरी ऑल टोल चर्चा करते हैं तो उसमें 3/4 हिस्सा जो हमारे आर्थिक धुरी का है उसमें एमएसएमई सेक्टर का है। और रोजगार की दृष्टि से भी देखें तो सबसे ज्यादा अगर रोजगार के अवसर कहीं होते हैं तो एमएसएमई सेक्टर में होते हैं। को लाए, पॉलिसीज को लाए और किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिल सकता है, वहां पर उनके उत्पादन को, उनके निर्माण को, नए इनोवेशन को, नवाचार को एक दिशा मिलती है, उसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया। कोरोना के समय भी हमारा एमएसएमई सेक्टर को बैंकिंग और अन्य सेक्टरों के अंदर विशेष नीतियां बनाना सुरक्षित रहे, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष रूप से योजना बनाई। आज भारत जब मेक इन इंडिया की बात कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, तो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत हमारा एजेंडा नहीं है, हमारा संकल्प है कि आने वाले समय के अंदर हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनके नए इनोवेशन, उनके रिसर्च और डेवलपमेंट के कारण हम आत्मनिर्भर भारत तो बनेंगे सही, इसके साथ साथ दुनिया के अंदर मेक इन इंडिया के आइटम बिके, मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट
दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट हो, ये भी हमारा संकल्प है और इस दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं। साथियों, दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, हर दुनिया के विकसित देश के अंदर, चाहे वहां नया इनोवेशन हो, चाहे नया रिसर्च हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे प्रोफेशनल सेक्टर हो, हर नए तकनीकी और विज्ञान के सेक्टर के अंदर अगर उस देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक और नए बदलाव का काम कर रहा है तो भारत का नौजवान कर रहा है। इससे भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी अद्भुत ज्ञान, उनका रिसर्च करने का उनका योगदान को किस तरीके से भारत में लाकर और एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से नई दिशा दे सकते हैं, इसके लिए व्यापक रूप से सरकार ने काम किया जा रहा है। और इसीलिए आज मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट केवल उपभोक्ता सेक्टर में नहीं, सर्विस सेक्टर में नहीं, आज आईटी के अंदर तो दुनिया के अंदर 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिसके अंदर आईटी सेक्टर की कंपनियां, भारत की कंपनियां दुनिया के अंदर आईटी के माध्यम से वहां की हर चुनौतियों का सॉल्यूशन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन रक्षा जैसे सेक्टर के अंदर भी भारत की कंपनियां मेक इन इंडिया आने वाले समय में निर्यात का बड़ा हब बने, इस दिशा की ओर व्यापक काम कर किया जा रहा है। और इसके लिए लखनऊ के अंदर जब एक्सपो लगी थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर जो कॉरिडोर बनाया है, जो कॉरिडोर के अंदर अधिकतम जिलों के अंदर क्या क्या एमएसएमई के प्रोडक्शन बन सकते हैं, उस दिशा की ओर भी व्यापक काम किया जा रहा है, जिसका एक परिणाम आपको मिलेगा। निश्चित रूप से मैं सब देखता हूं कि एक दृष्टिकोण होता है, एक दिशा होती है, सोच होता है, विचार होता है, और उसी दृष्टिकोण से आज भारत के अंदर काम हो रहा है। और हम सोचते हैं कि आने वाले समय में हमारे एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से हम निर्माण, उत्पादन और उपयोगिता तो करेंगे सही, उसके साथ साथ क्योंकि भारत जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का बड़ा देश है, इसलिए आने वाले समय में हमें रोजगार सृजन की भी संभावनाओं को देखना है। इसलिए रक्षा सेक्टर के अंदर एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करके और रोजगार के अवसर बढ़े, इस दिशा के अंदर भी सरकार व्यापक दिशा की ओर काम कर रही है। साथियों, आज हमारे सामने एक नई सोच, नई योजना है कि किस तरीके से हम इस इंडस्ट्री सेक्टर को आगे बढ़ाएं। कोई समय था जब डिफेंस सेक्टर के अंदर केवल डीआरडीओ और कुछ सरकारी कंपनियां ही काम करती थी, आज समय बदलकर सरकार ने एक नीति या पॉलिसी बनाई कि सरकार की कंपनियां, डीआरडीओ और रिसर्च सेंटर के साथ साथ निजी सेक्टर भी रक्षा उत्पादन और विकास में अपनी योजनाएं बनाए। और आज डीआरडीओ और सरकारी कंपनियों के साथ साथ निजी सेक्टर की कंपनियों ने मिलकर जिस तरीके से रक्षा उत्पादन में, उनके विकास में, उनके इनोवेशन के अंदर जो काम किया है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत को दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर बनाएगा और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। क्योंकि डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, जब कभी युद्ध चलता है तो एक जगह युद्ध से पूरे देश प्रभावित होता है। इससे सरकार की योजना थी कि टेक्नोलॉजी परिवर्तन के कारण दूर दराज से बैठकर भी कोई देश युद्ध को संचालित कर सकता है, और इसीलिए भारत ने एक नया प्रयास किया कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म हैं और जितने भी प्रौद्योगिक प्लेटफार्म हैं, आईटी के प्लेटफार्म हैं, उन तीनों प्लेटफार्मों को भारत में नियंत्रित किया जाए, भारत में बनाया जाए। नहीं तो समय परिवर्तन सही है, हम अगर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म, आईटी प्लेटफार्म का नियंत्रण दूसरे देश में होगा तो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं होगा। इसलिए भारत ने इस दिशा के अंदर काम किया है और एक व्यापक परिणाम आया है कि आज इलेक्ट्रॉनिक और आईटी प्लेटफार्म हमारे नियंत्रण में है, हम किसी के नियंत्रण में नहीं। आज रक्षा उपकरण के आइटम
बनाने हमारे हैं। हमें आवश्यकता होती है तो हम दुनिया से टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, लेकिन हमने एक दिशा बनाई है, टेक्नोलॉजी आपकी होगी लेकिन उत्पादन होगा तो भारत की धरती पर होगा। ये एक सोच थी। और जब मैं अभी फ्रांस गया तो जब फ्रांस के नेताओं से मिला तो फ्रांस के नेताओं ने कहा कि आने वाले समय में हमसे फ्रांस से टेक्नोलॉजी भारत ले रहा है, उत्पादन भारत में हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में भारत टेक्नोलॉजी के अंदर भी आगे बढ़ेगा और दुनिया को टेक्नोलॉजी का देने का काम भी करेगा और उत्पादन करी हुई वस्तुएं और उपकरण भी देने का काम करेगा। इस दिशा के अंदर भारत काम कर रहा है। साथियों, राजस्थान बड़ा औद्योगिक प्रदेश है, जहां के नए इनोवेशन करने की हमारे उद्योगपतियों में व्यापक क्षमता है और इसीलिए मैंने रक्षा मंत्री जी से आग्रह किया कि कोटा राजस्थान के अंदर हम भविष्य के अंदर राजस्थान के उद्यमियों की उद्यमिकता को डेवलप करने के लिए हमें डिफेंस सेक्टर के अंदर एक राजस्थान का भी कंट्रीब्यूशन हो। और इसीलिए आज इस कॉन्क्लेव के अंदर राजस्थान के एमएसएमई सेक्टर के लोग भी आए, हमारे कोटा के एमएसएमई सेक्टर के लोग भी आए। कोटा में बहुत उद्यमिकता है, लेकिन अभी उद्योग ना पलटकर पत्थर काटने में या केमिकल के तक उलझ गई है। हमें उसमें दिशा को परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से आने वाले समय के अंदर इन प्रतिरक्षा की कंपनियों के साथ मिलकर हमारे एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करके यहां पर उनको, जैसा कि शुक्ला जी ने बताया कि ऐसे बहुत सारे आइटम एक बड़ी कंपनी में होते हैं जिनके साथ एमएसएमई सेक्टर का एक बड़ा नेटवर्क जुड़ा रहता है, उस नेटवर्क को हम कोटा राजस्थान में खड़ा करना चाहते हैं ताकि देश और देश के बाहर भी जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो एमएसएमई सेक्टर का एक हब राजस्थान बढ़े। और इसके लिए मैं विशेष रूप से डिफेंस मिनिस्टर को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, हमारे अजय भट्ट जी का, जिनकी तारीख रोज चेंज होती गई, पहले 10 तारीख थी, फिर 11 तारीख हुई, आज 12 तारीख हुई, वह भी हमारे समय के साथ परिवर्तन करते गए और निश्चित रूप से आज पधारे, उनके लिए धन्यवाद दूंगा। एक में जब अभी नाश्ता कर रहा था, क्योंकि ये चंबल नदी है और चंबल नदी में आए दिन दुर्घटना होती है, आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा, एक नौजवान लड़के ने एक स्टार्टअप तैयार किया। उस स्टार्टअप के अंदर कोई भी व्यक्ति को नदी के अंदर अगर डूब रहा हो तो उसने ऐसी छोटा उपकरण बनाया है कि वह इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से जो व्यक्ति नदी में कहीं डूब रहा है उस तक वह पहुंच जाएगी नाव और उसको वो पकड़कर और तीन लोग अपनी नदी को पार कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये 5 मिनट मैंने उसकी बात सुनी और आपने शायद ध्यान भी दिया होगा कि कैसे कैसे स्टार्टअप है। हम रोज यहां पर लोगों को बहते हुए देखते हैं, कभी कोई टापू में फंस जाता है, उधर फंस जाता है तो हेलीकॉप्टर मंगाना जाए पड़ता है, एसडीआरएफ की टीमें मंगाई जाती है, नावें मंगाई जाती है, बहुत सारे संसाधनों को मंगाया जाता है, लेकिन एक संसाधन से हम कई लोगों की जान बचाएं। एक छोटा स्टार्टअप 5 मिनट में, आप दिन भर में यहां पर देखेंगे कि किस तरीके से स्टार्टअप है। आज दुनिया के अंदर आप कोई भी देश में चले जाओ, आज भारत का 70,000 स्टार्टअप दुनिया की चुनौतियों का समाधान कर रहा है तो भारत का नौजवान कर रहा है। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है और आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से हमारे नौजवान नया रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, क्योंकि कोटा एक ऐसी धरती है जहां पर आईआईटी पढ़ने वाला नौजवान केवल देश नहीं दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रहा है। इसलिए कोटा का एक बड़ा एजुकेशन की दृष्टि से भी और एजुकेशन में भी आने वाले समय में जितने भी हमारे एजुकेशन सेंटर हैं, चाहे विश्वविद्यालय के अंदर जो विकसित देश आगे बढ़े हैं, उन विकसित देशों का आगे बढ़ने का कारण यही था कि उन्होंने उनके विश्वविद्यालयों को रिसर्च
और रिसर्च डेवलपमेंट के सेंटर बनाने का काम किया। और उसके कारण जब मैंने दुनिया के विकसित देशों के विश्वविद्यालय को देखने का मुझे मौका लगा तो मुझे लगा कि उन्होंने केवल पढ़ाई तक सीमित रखा, उन्होंने जितनी दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं उन बड़ी कंपनियों का सॉल्यूशन वहां के विश्वविद्यालय के नौजवानों ने निकाला। और मुझे आशा है जब 5 दिन पहले यहां शिक्षा मंत्री जी आए थे, भारत सरकार भी दिशा की ओर काम कर रही है। जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, आईआईटी के कैंपस हैं, इंजीनियरिंग के कैंपस हैं, उन सारे कैंपसों के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज हो, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर हो, चाहे दवाएं हो, सबके इंडस्ट्रीज के सेक्टर और इस विश्वविद्यालय के कैंपस आने वाले रिसर्च सेंटर बनेंगे। और दुनिया के अंदर जो भी गंभीर चुनौतियां होगी, गंभीर बीमारियां होगी, गंभीर संकट होगी, गंभीर आपदा होगा, उसका सॉल्यूशन भारत का नौजवान निकालेगा। इस दिशा के अंदर भारत सरकार काम कर रही है। मुझे आशा है कि कोटा एक एजुकेशन का बड़ा हब है और आज अगर 20 साल से हम गिनती कर लें तो यहां पर करोड़ों बच्चा यहां से निकलकर आईआईटी और अन्य दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रहा है। इन सारे बच्चों को भी हम यहां पर आज लाएंगे और स्टार्टअप का एक बड़ा सेशन होगा। मेरा आपसे आग्रह है कि अब की बार और सेशन होंगे, आप सब यहां रुकेंगे और उसके बाद आप यहां पर भोजन करके जाएंगे, भोजन बाद में है एक सेशन के बाद। और इसलिए मेरा आप आग्रह है कि आप यहां एमएसएमई सेक्टर और जो लोग यहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज के लोग आए, वह अपने कैंपस के अंदर भी हमारे बच्चों के नौजवानों में रिसर्च, इनोवेशन, नई कल्चर डेवलप करने का काम करेंगे ताकि आने वाले समय में कोटा, राजस्थान नहीं पूरे देश की एक दिशा देने का काम बनेगा, एक इंडस्ट्रीज का बड़ा हब बनेगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।